दून विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी परमजीत पम्मी ने शनिवार को अपना नामांकन दाखिल किया। बद्दी स्थित तहसील कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी के पास दून व नालागढ़ से ये पहला नामांकन भरा गया। परमजीत पम्मी ने पहले तो बद्दी गुलरवाला में अपने समर्थकों के साथ पूजा पैलेस में एक बैठक की और उसके बाद पूरे बद्दी बाजार से तहसील तक हजारों समर्थकों के साथ एक विशाल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में भरा जोश देखकर परमजीत ने उन्हें दून से टिकट दिए जाने को लेकर पार्टी हाईकमान का आभार जताया और कहा कि जो विश्वास पार्टी ने उन पर देखा है वे उसे कायम रखेंगे और दून से एक बार फिर से कमल खिलाएंगे। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए पम्मी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जब से दून में रामकुमार चौधरी विधायक बने हैं तब से क्षेत्र में गुंडागर्दी और माफिया राज बढ़ा है। उन्होंने कहा कि दून से सबसे पहले माफिया राज हटाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विधायक 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की बात करते हैं लेकिन क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर वे विधायक बनते हैं तो पहले क्षेत्र की सड़कों, पेयजल, बेरोजगारी को प्रमुखता के आधार पर हल करेंगे। जनता पार्टी कैंडिडेट के नाते आज हमने नॉमिनेशन फाइल किया है। डीआर चंदेल जी, डॉक्टर श्रीकांत जी, जो पार्टी के सभी सीनियर नेता है, उनका आशीर्वाद हमें मिला और उनके साथ हमने आज नॉमिनेशन फाइल किया। अच्छा, पिछली बार बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें हमारे ऊपर विश्वास जताया है, इसके लिए हम सीनियर नेता जो भारतीय जनता पार्टी के है, मैं उनका सभी का मतलब के आभार प्रकट करता हूँ। हम जो दून विधानसभा क्षेत्र में गुंडागर्दी का राज चला हुआ है, खनन माफिया, शराब माफिया, कबाड़ माफिया, इसको खत्म करने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के नाते हमने वो किया है और हम यहाँ पे गुंडागर्दी, खनन माफिया को समाप्त करेंगे। विधायक के नाते तो दून विधानसभा क्षेत्र कागजों में तो बड़ा विकसित है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र की बहुत बुरी हालत है। सड़कों की हालत देखो पहाड़ी क्षेत्र में, यहाँ तो BBNDA की वजह से कुछ विकास हुआ भी है लेकिन पहाड़ी प्राथमिक जो MLA प्राथमिक निधि है उसमें तो कहीं विकास दिखने नजर ही नहीं आता। हमारे विधायक महोदय बोल रहे 700 करोड़ रुपए का विकास कर दिया, पिछला 24-25 साल का विकास को भी आपने उसमें एजेंडे में जोड़ लिया। जो मैडम विनोद चनेल जी का 2007 से लेकर 2012 तक का शासन था, जो उसमें सारे कार्य हुए उसको भी विधायक जी अपने कार्यों में शामिल कर रहे हैं।